हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ना शुरू हो गए हैं और उसके साथ साथ गार्डन में तरह तरह के हिबिस्कस का फ्लावर खिलते रहे हैं। इस टाइम गुड़ैल यानी हिबिस्कस प्लांट में न्यू ग्रोथ के साथ न्यू बड्स, न्यू कलियां वो भी आते रहे हैं। इसी न्यू ग्रोथ, न्यू कलियां, न्यू बड्स पे आके बैठ गए गुड़ैल का और यानी हिबिस्कस प्लांट के साथ जिसका परमानेंट रिश्ता है। मिलीबाग का बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। मिलीबाग को परमानेंटली रिमूव करने का आज का जो रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, आप देखिए एक ही बार यूज करने के बाद किस तरीके से मिलीबाग का हाल हुआ है। प्लांट में ये जो छोटे छोटे ब्राउन कलर का आप कीड़े देख रहे हो फ्रेंड्स लगा हुआ है, यही है मिलीबाग। तो आप सोच रहे होंगे मिलीबाग तो व्हाइट कलर होता है, सफेद कलर का चिपचिपा सा, तो ये कौन सा मिलीबाग है? व्हाइट कलर का जो मोटा चामड़ी देखते हो आप, वो है मिलीबाग का व्हाइट कलर, एक मोटा सा चिपचिपा सा स्किन। आज का रेमेडी इतना ही कारगर है, इतना ही आपको बेनिफिट देंगे फ्रेंड्स कि देखिए ये सफेद कलर का स्किन फट जाता है इसको एक ही बार यूज करने से। इसीलिए रेमेडी को यूज करने के बाद आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये फट गए ऊपर का व्हाइट कलर का स्किन और अंदर से ब्राउन कलर का मिलीबग निकल के आए है। और पौधा यानी प्लांट देखिए फ्रेंड्स कितना क्लीन हो गए, कितना साफ हो गए है। मैं एक ही हाथों से प्लांट में स्प्रे किया फ्रेंड्स, देखिए दूसरा हाथ में मैं तो कैमरा पकड़ के रखी हूँ। तो आप पौधा को अच्छे से पकड़ के बहुत ही अच्छे से स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट में लगा हुआ है मिलीबग एकदम पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। आज का रेमेडी आपके साथ शेयर करने से पहले आपको दिखाई देती हूँ दोबारा कि किस तरीके से मिलीबग बैठे रहते हैं, किस तरीके से मिलीबग चिपक जाता है हमारा प्लांट के टिप्स में। आप अच्छे से देखिए कि ये जो मिलीबग है प्लांट का और कोई जगह पे नहीं है। जहाँ पे न्यू ब्रांच आए हैं, जहाँ पे न्यू ब्रांच में न्यू ग्रोथ आए हैं, बर्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे ही है मिलीबग। जब भी आपका प्लांट में मिलीबग लगना शुरू हो जाए तो शुरू से ही आप इसको ट्रीटमेंट करा करिए, नहीं तो ये मिलीबग तब तक आपका प्लांट में रहेगा जब तक आपका प्लांट सूख के खत्म नहीं हो जाता है। प्लांट का टिप्स बहुत ही सॉफ्ट होता है, वहाँ पे मिलीबग चिपक जाता है और प्लांट का पूरा रस चूस के एकदम प्लांट को सुखा देता है। एक बार गार्डन में मिलीबग का आना शुरू हो जाए तो वो क्या करते हैं, जो हमारा गार्डन में अनवांटेड विजिटर एंट यानी चींटियां का भी वेलकम कर लेते हैं। मिलीबग का कारण में जो मीठा रस निकलते रहते हैं चींटियां उसको खाने के लिए आ जाता है। और प्लांट में एक बार चींटियां लग जाए तो उसी प्लांट में चींटियां क्या करते हैं, परमानेंटली घर बना लेते हैं। और सिर्फ घर ही नहीं है, चींटियां उसी प्लांट को छेद कर करके प्लांट को एकदम अंदर से खोखला बना देते हैं। मिलीबग का एग्स यानी अंडा चींटियां का पैर में चिपक जाता है और चींटियां जब इधर उधर एक प्लांट से दूसरा प्लांट, दूसरा प्लांट से तीसरा प्लांट में आना जाना करते हैं तो मिलीबग भी स्प्रेड हो जाता है आपका गार्डन में। आज का जो रेमेडी आपको दूंगी फ्रेंड्स, मिलीबग एक बार में खत्म हो जाएगा। कभी भी बहुत अच्छे तरीके से मिलीबग को सफाई करने के लिए आपको 3 बार इसको अप्लाई करना है। तो 3 दिन बाद आपको 3 बार इस सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। तो कितना भी मिलीबग आपका प्लांट में अटैक हो जाए, मिलीबग एकदम से साफ हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने मिलीबग के ऊपर और एक वीडियो आपको दिया था, लहसुन और बेकिंग सोडा कॉम्बिनेशन करके हमको इस सॉल्यूशन को बनाया था। तो दोनों रेमेडी को आप ऑल्टर करके यूज करेंगे फ्रेंड्स तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड्स क्योंकि हम आप जा रहे हैं रेमेडी बनाने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर में मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मिला रही हूँ सर्फ डिटर्जेंट जो हम क्लॉथ वॉश करने के लिए यूज करते हैं। इसके साथ मिक्स कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का जो तासीर होता है वो गर्म होता है फिर जो मिलीबग को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और ये ऑयल क्या करेगा, हमारा प्लांट का लीव्स में एक कोटिंग क्रिएट करेगा जिससे मिलीबग लग भी जाए तो प्लांट का कोई असर नहीं पड़ेगा। और सर्फ में जो सोडा रहता है वो मिलीबग का जो मोटा सा सफेद कलर का स्किन है वो फटा देते हैं। यहाँ पे वीडियो स्किप मत करना क्योंकि हमारा ये जो रेमेडी है ये अभी तक बना नहीं है पूरा तरीके से। तो ये दोनों ऑयल और सर्फ डालने के बाद पानी के साथ बहुत अच्छे से आपको शेक करना पड़ेगा, पानी के साथ बहुत अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। स्प्रे बोतल का कैप ओपन करके आपको अब दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो अंदर मैंने सॉल्यूशन बनाया वो किस तरीके से हमारा रेडी हो गए है।
देखिए ये सर्फ और जो ऑयल लिया है एकदम पानी के साथ अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो गए हैं। अब हमको मिलाना है यहाँ पे इनो, एक पैकेट इनो 2 लीटर पानी के हिसाब से आपको मिलाना है। और इनो डालने के बाद आपको पानी को बिल्कुल शेक नहीं करना, इसीलिए पहले ही आपको शेक करके लेना है। और जैसे आप इनो डालेंगे, जैसे हम इनो को लेते हैं, एक्चुअली हम इंसान जैसे इनो को यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं, इनो पानी में डालने के बाद हम बिल्कुल उसको शेक नहीं करते, सीधा सीधा पी जाते हैं। प्लांट के लिए भी आप इनो डालेंगे और प्लांट में स्प्रे करते रहेंगे। इनो कोई भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल रेमेडी बन गए, हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गए है। अब एक ही काम रह गए है कि प्लांट में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्प्रे करना। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप स्प्रे करते रहना। हर मेडिसिन का जैसे एक कोर्स होता है, तो ये जो हमने जो रेमेडी आज बताए आपको, इसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है, हर 3 दिन के बाद बाद एक बार आपको यूज़ करना है। वैसे तो एक ही बार स्प्रे करने से आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, तभी भी पूरा तरीके से सफाई करने के लिए आपको 3 बार यूज़ करना ही है, और मिलीबग भी दोबारा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे हिबिस्कस प्लांट में इस सॉल्यूशन को अप्लाई करके दिखाया। आप कोई भी प्लांट में, जिस प्लांट में आपका मिलीबग का अटैक हो रहा है, उसी प्लांट में आप इस सॉल्यूशन को यूज़ करते रहना। आज का ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स 100% ऑर्गेनिक है, तो आप जितना बार ही प्लांट में यूज़ करेंगे आपका प्लांट में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ प्लांट को मिलेगा फ़ायदा ही फ़ायदा। आपके प्लांट में एक भी मिनी बाग नहीं है, तभी भी आप मिली बाग लगने के लिए वेट मत करना, कंटिन्यू आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मिली बाग के लिए यूज़ करते ही रहना कि आपका गार्डन में मिली बाग ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा ये प्लांट साफ़ हो गए है। मैंने तो एक ही हाथ से किया है स्प्रे, तभी देखिए एक बार स्प्रे करने से पत्ते में कितना चमक आ गए है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करना। मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करा करिए। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।